गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि कल हम लोगों ने स्क्रू जैक में सिंपल स्क्रू जैक किया था, तो आज अगला टॉपिक हम लोग का है डिफरेंशियल स्क्रू जैक। दो टाइप थे स्क्रू जैक में, तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल स्क्रू जैक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल स्क्रू जैक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल स्क्रू जैक, स्क्रू जैक तो आप समझ ही गए हैं। पिछला सिंपल स्क्रू जैक था, शायद स्क्रू जैक ही हम लिखा, सिंपल समझिएगा उसको। तो स्क्रू जैक, अगर स्क्रू जैक से कहते हैं तो सिंपल होता है, लेकिन डिफरेंशियल कहते हैं तो डिफरेंशियल स्क्रू जैक माना जाता है। अब जैसे कि आपको बताया था कि जो स्क्रू जैक है वो स्क्रू के प्रिंसिपल वर्क करता है, किसके वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। ठीक है, तो कल ही बताया था। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, मतलब दो स्क्रू कह सकते हैं कि यहाँ पे दो स्क्रू होंगे, तीन स्क्रू होंगे, लेकिन उनके डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रू, मतलब कहने का किसी के इंटरनल थ्रेड कटे होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड, इसी डिफरेंस पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो इस एप्लीकेशन वही है, सेम एप्लीकेशन हियर, तो पिछले में था लो इफर्ट एंड हाई लिफ्टिंग लोड। ठीक है, और इसको आल्सो कॉल्ड हंटर स्क्रू जैक, एकदम शिकारी है ये, हंटिंग करने वाला, वो तो बच्चा था, ये तो एकदम तगड़ा है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा इसका जो फंक्शन है, मतलब प्रिंसिपल तो उसी तरह स्क्रू जैक, तो बस इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के स्क्रू जैक इस्तेमाल करेंगे। पहले फिगर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या, एक एक्सटर्नल थ्रेड्स कटे होंगे, इंटरनल थ्रेड्स कटे होंगे, नट होंगे, फिर एक नट बेस नट होगा। ठीक है, चलिए इसको फिगर बनाते हैं। बगैर फिगर, दो तरह के फिगर इसके भी हैं। अब पहले एक ही फिगर बनेगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, एक ही फिगर बनाते हैं। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि थ्रेड्स पहले बनाएंगे ना, तो इसमें दो तरह के थ्रेड्स बनाने हैं। थ्रेड्स दो क्या है, थ्रेड्स एक जो इस एक थ्रेड ऐसा होगा, मतलब एक स्क्रू ऐसा होगा जिसके इंटरनल भी स्क्रू और इस इंटरनल भी थ्रेड्स कटे होंगे, एक्सटर्नल भी थ्रेड्स कटे होंगे। फिगर बनाते हैं, फिगर में देखिए आप। तो चलिए पहले ये टाइम लगेगा, फिगर बनाते रहिए साथ में, क्योंकि तो बगैर थ्रेड्स के पहले थ्रेड्स ही बनाना पड़ता है, और इसमें ये दिक्कत है कि हाथ भी नहीं चल पाता, मिटने लगता है, लेकिन पहले थ्रेड्स नहीं बनाएंगे तो फिर बनता भी नहीं है। ठीक है, मैं इतना बनाते चला जाता हूँ, तो फिर वो ये इसको बनाएंगे क्या, थ्रेड है इसके ऊपर लोड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रू हेड, और इसकी एक्सिस देखिए, ठीक है,
ध्यान देने की बात यह है कि इसके थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बराबर दिख रहा है। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है, लीवर फिक्स्ड विथ स्क्रू ए, हम इसको नाम देते हैं, ए हो गया स्क्रू, ये बी हो गया। ध्यान दीजिएगा इनके बीच की पिच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मैंने पिच बताया था पिछले लेक्चर में, इसको पी बी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इसको पी ए कहेंगे। ठीक है, इफर्ट अप्लाइड बाय हियर, अप्लाइड इसको दिखा दो। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा ये लीवर जो है ए के साथ फिक्स रहेगा, और ये इसके ये जो स्क्रू है वही है स्क्वायर स्क्रू, लिख देते हैं स्क्वायर स्क्रू। ठीक है, इसमें क्या है, स्क्रू विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब ये नट का भी काम करेगा एंड स्क्रू का भी, और ये सिर्फ स्क्रू का काम करेगा, और ये क्या है एक तरीके से क्या काम करेगा, नट का काम करेगा। ठीक, इसी तरीके से अंदर भी क्या होगा, नट होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि बताया था कि डिफरेंशियल स्क्रू है, तो देखिए एक डिफरेंशियल कैसे होगी, क्योंकि इसका देखिए पिच अलग है, इसका पिच अलग है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, जब आप लीवर को अप्लाई करेंगे, घुमाएंगे, मतलब एक चीज छूट रही है, इसके दूरी को आर दिखाइए यहाँ तक। ठीक है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे, जब घुमाएंगे, तो ये जो स्क्रू है ये इस नट के अंदर की तरफ आएगा, और इसको घुमाने से जब ये अंदर की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कब किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये जैसे कुछ चीज़ें, मान लीजिए कुछ स्क्रू इस नट के अंदर फंसा हुआ है, जब आप इसको घुमाएंगे लाइक दिस एंटी क्लॉक आप घुमाएंगे, तो ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा देन क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नीचे की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि इस स्क्रू के जो थ्रेड्स हैं वो इसके अंदर घूमेंगे, ये एक्सटर्नल थ्रेड्स कटे हैं, इनके अंदर भी इंटरनल थ्रेड्स हैं, मतलब इस स्क्रू के लिए ये नट का काम करेगा, इसी तरह से इस स्क्रू के लिए ये नट का काम करेगा। तो जब आप लीवर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, ठीक है, जब आप लीवर को एंटी क्लॉक रोटेशन देंगे, तो लीवर क्या करेगा, इस एंटी क्लॉक देंगे तो ये लीवर नीचे की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ,
और ये ऊपर। जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, जब क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे इस तरीके से आप घुमाएंगे ऐसे, तो ये इसमें से खुलेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और आपका बी वाला स्क्रू अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, लोड नीचे की तरफ आएगा। ठीक इसके उल्टे रोटेशन में जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ लीजिएगा एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज के, जब इसको आप ऐसे घुमाएंगे, जब इस तरीके से घुमाएंगे तो नट से ये खुलेगा ना। ठीक है, लग रहा मैंने कुछ आपको उल्टा बोल दिया है, ऐसा नहीं है, समझते हैं पहले इसको। जब अभी मान लीजिए कि कुछ हिस्सा स्क्रू का इस नट के अंदर फंसा हुआ है, तो जब ये नट के अंदर फंसा हुआ है, तो जब नट के अंदर मान लीजिए इतना हिस्सा फंसा है, यहाँ तक फंसा है, ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे, मतलब इसको एंटी क्लॉक कह दीजिए, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा ना, तो खुलेगा ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, इसको कुछ नहीं करना, ये बस वर्टिकली अप एंड डाउन करेगा। तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब पी ए माइनस पी बी होना है, पी ए माइनस पी बी होना है, क्योंकि ये इसके अब ये चूंकि पी बी छोटा है, कम है, तो ये इसके अंदर घुस रहा है इसीलिए। अब ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको ऐसे से घुमाएंगे, जब ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये खुलेगा ओपन होगा और ये अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि थ्रेड्स अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, इसका वेलोसिटी रेशियो निकाल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूज डिफरेंसेस मिलेंगे किसके, पिच के, एक पिच पीए जब पीबी से घटेगा, मान लीजिए कि पीबी पीए आपका 20 हो, पीबी 10 हो, तो सीधे 10 डिफरेंसेस सीधे घट जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिंपल स्क्रू का अपडेट है ये, अगर सिंपल स्क्रू में हम लोग 10 किलो लगा, 10 न्यूटन का बल लगा करके 100 उठाते थे, तो इसमें क्या करेंगे, 5 ही का उठा देगा उतने में, ठीक, डबल, यही डिफरेंशियल एक्सक्लूजन का फायदा मिलेगा आपको। अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ से हटा दूँ, लीवर कहाँ लगा दूँ, ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्रू जैक, हमने एक स्क्रू और लगा दिया इसको डिफरेंशियल स्क्रू जैक करने के लिए, बस किस लिए कर दिया ये चीज़, ताकि पिच के डिफरेंसेस को और कम करके मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज पाया जा सके। ठीक है, अब नॉर्मल लेक्चर देखते हैं कि कौन सी चीज क्या है। आर जो है लेंथ ऑफ लीवर, लेंथ ऑफ लीवर, पीए क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू ए, पिच ऑफ स्क्रू ए, ये वाला पीए, पिच ऑफ द, पिच ऑफ द स्क्रू ए, पी बी क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू बी, डब्ल्यू लोड टू बी लिफ्टेड, पी अप्लाइड इफर्ट, पी क्या है, अप्लाइड इफर्ट। अब हमें पता करना है वेलोसिटी रेशियो, जैसे कि आप जानते हैं वेलोसिटी रेशियो में हर बार लिखा हूं, देख लीजिएगा आप, सीधे क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई पी इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में, तो एक चक्कर में आएगा कितना, लिख लेते हैं एक बार, डिस्टेंस कवर्ड बाई इफर्ट पी इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। कैसे 2 पाई होगा, हर बार बताया आपको कि जब आप इस हैंडल को यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक चक्कर पूरा कंप्लीट होगा। जब एक चक्कर कंप्लीट होती है अपने सरकमफेरेंस के बराबर, इस तरीके से सरकमफेरेंस बराबर क्या करेगा, दूरी तय करेगा, और सरकमफेरेंस किस सर्किल का आर है, तो इसकी दूरी कितनी, रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा उसका, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाई लोड, लोड डब्ल्यू इन इन वन रिवॉल्यूशन ही करेंगे, और कितना कर देंगे इसको, पी ए माइनस पी बी, एक चक्कर लग लगाएंगे, तो ये एक पी ए के एक पिच इस क्या करेगा, एक पिच इसके अंदर जाएगा, ठीक है, और ये एक पिच ऊपर जाएगा, तो इनके डिफरेंस के बराबर ही दूरी तय करेगा।
ठीक है, अब वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में PA - PB। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इफिशेंसी बराबर फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल मशीन को अगर आइडियल मानते हैं, फॉर आइडियल मशीन इफिशेंसी बराबर 100% या फिर 1% से 0 0 कट जाएगा, 100 का 1/100 होता कट जाएगा, और ये होता क्या इफिशेंसी में, मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलासिटी रेशियो। देन वेलासिटी रेशियो इक्वल टू आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, सीधे मैं लिख देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो के, देन मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या आएगा, जितना वेलोसिटी रेशियो है कितना, 2 पाई आर में PA - PB। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, सपोज करिए यहां से पीबी को गायब कर दें, जब पीबी को आप गायब कर देंगे, इतना पोर्शन को हटा दें, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्रू जैक हो जाएगा। और अगर हमको मैकेनिकल एडवांटेज अगर पीए बराबर 10 होता था और 2 पाई आर बराबर हम लोग कितना लेते थे, 50, तो 5 ही आता था। अब देखिए पीए 10 ही हो, लेकिन पीबी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो इन केस ऑफ डिफरेंशियल स्क्रू जैक आप ये मान सकते हैं कि इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो सिंपल स्क्रू जैक से डबल होता है या उससे ज्यादा होता है, सीधे सीधे घट रहा है। अब वहां पे अगर 10 लेते थे, पीए कितना होता था वहां पे 10, और अगर यहाँ लिख लेते हैं पीए अगर 10 होता था और पीबी हम लोग 5 भी लेंगे तो 5 ही आएगा, देन अगर 2 पाई आर हम लोग 2 पाई आर बराबर का मान लें 50 हो तो कितना आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, बताइए, सीधे सीधे 10। इसका मतलब है कि PA - PB जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही कम होगा, और अगर PA - PB जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा होगा। इसके उल्टा पीबी जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा होगा, पीबी जितना ही ज्यादा होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हर हाल में ये डिफरेंस जो है स्क्रू, सिंपल स्क्रू जैक के डबल वेट को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है, इसीलिए इसको डिफरेंशियल स्क्रू जैक कहते हैं। थोड़ा सा बस PA - PB का कॉन्सेप्ट है, PA PB के लिए, PA फिर से रिपीट करता हूँ, PA PB के लिए नट का काम करता है। तो एक नट ये है जो बॉडी के मेन स्ट्रक्चर में लगा हुआ है, जो कि नट वो ए स्क्रू के लिए नट है, ए का जो इंटरनल थ्रेड्स है वो बी के लिए नट का काम करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ह्यूज डिफरेंस ऑफ पिच मिल रहा है, और इस जो जितना ही डिफरेंस मिल रहा है, जितना ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे उतना ही हम अपने मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी थ्योरी का पार्ट सब खत्म होता है, और अब जो भी मेन मोटा मोटी बचता है न्यूमेरिकल्स बचते हैं, अब न्यूमेरिकल से लगाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ओके, थैंक यू, थैंक यू।